जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन कार्ड के विषय में। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपने वन कार्ड का नाम जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो वन कार्ड है ये है क्या, इसका यूज क्या है और आप इस कैसे इस वन कार्ड को और कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वन कार्ड है ये बेसिकली एक तरह का एक क्रेडिट कार्ड है। जैसे आप दूसरे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसी तरीके से ये जो वन कार्ड है ये भी क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये दूसरे क्रेडिट कार्डों से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे पहला मेटल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि मेटल से बना हुआ ये क्रेडिट कार्ड है जिसको हम वन कार्ड के नाम से जानते हैं। और इसका जो यूज है वो आप नॉर्मल किसी भी क्रेडिट कार्ड की तरह कर सकते हैं, जैसे अदर किसी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो वन कार्ड है इसको आप कई बैंकों से ले सकते हैं, जैसे SBM बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा से इसको ले सकते हैं, या फिर आप जो वन कार्ड कंपनी है इसके एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी इसको यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो वन कार्ड है ये कई मायनों में दूसरे क्रेडिट कार्डों से थोड़ा अलग है और फायदेमंद भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसमें जब आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाती, कोई भी यहां पर आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो 2x यानी दो गुना आपको मिलते हैं हर ट्रांजेक्शन पर। साथ ही ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, यानी कि लाइफ टाइम इनकी वैलिडिटी रहती है और कभी भी आप इनको यूज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे इसके फायदे भी हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन कार्ड के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक है नॉर्मल वन कार्ड और दूसरा है वन कार्ड लाइट। दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर का जो मैक्सिमम जो नंबर है वो है 900, तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से 900 के बीच में है तो ये एक बहुत अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। अगर ये आपका सिविल स्कोर है तो आपको नॉर्मल मेटल वाला जो वन कार्ड है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आप जो वन कार्ड लाइट वर्जन है उसको आप ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यही है, कोई और कंपनी जो होती है वो आपके सिविल स्कोर पर देखकर आपको क्रेडिट कार्ड देती है और कम इस सिविल स्कोर पर कोई कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, लेकिन ये जो वन कार्ड है इसको आप ले सकते हैं कम सिविल स्कोर पर। बस इसके लिए आपको 2000 रुपए की FD करानी होगी, उस FD के अगेंस्ट में आप इस वन कार्ड के लाइट वर्जन को यहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमको ये जो वन कार्ड है ये लेना है तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वन कार्ड को लेने के लिए आपके पास आपके KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका जो इनकम प्रूफ, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप यहाँ पर लगेगी, और अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो यहाँ पर आपका जो ITR रहता है, इनकम टैक्स रिटर्न रहता है, उसकी कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ही आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, यानी कि 18 के पार होनी चाहिए, और आप एक भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन होने चाहिए। ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आप वन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जहां तक है ये जो वन कार्ड है ये मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए।